कैसे हो आप सब। मैं आप सबका दोस्त धीरज शर्मा आप सभी के लिए न्यू वीडियो लेके हाजिर हो गए। आज हम टाउन हॉल 9 वर्सेस टाउन हॉल 9 फुल स्टार की ट्रिक देखेंगे और आपको उसमें अलग अलग आर्मी के रिप्ले शेयर करूँगा मैं। तो सबसे पहले हम टाउन हॉल 9 का फर्स्ट अटैक स्टार्ट करते हैं, विच स्लैब अटैक। तो गाइज, विच स्लैब अटैक में यूज़ आने वाले ट्रूप्स 3 वॉल ब्रेकर, 2 विजार्ड, 4 हीलर, 1 गोलम, 10 विच, सीसी में मैक्स बॉलर। और स्पेल की बात करते हैं गाइस, हीलिंग स्पेल 1-2 रेंज, 1 जैम्प, बाकी सीसी में पॉइजन और अपनी सेटअप से भी पॉइजन। तो गाइस स्टार्ट करते हो। फिश स्लैब में कोनों से स्टार्ट करना पड़ता है, 3 विच इधर साइड कोनों में और उसके पीछे 2 हीलर्स, इधर भी 3 विच और 2 हीलर्स। तो गाइस सबसे पहले इसमें ज़रूरी होता है फनल क्रिएट करना। कुछ टाइम हम फनल में लगाएंगे। तो गाइस विच स्लैब से स्केलेटन में फनल करना बहुत ईजी होता है गाइस, और पीछे हीलर्स बहुत अच्छा वर्क करती है। अभी तो फनल बना के अब गोलम ड्रॉप किया और उसके पीछे विच ड्रॉप की, एंड सीसी बॉलर एंड हीरोज ड्रॉप किए, बाकी विजार्ड भी, और वॉल ब्रेकर से वॉल तोड़ी। अभी तो बहुत ही अच्छा फनल बनाया बंदे ने, और गोलम सीधा सेंटर के अंदर, और सीसी के ट्रूप्स बाहर आए, सीसी को ट्रूप्स को पॉइजन दी और गोलम बाकी सब अंदर गए। गाइस बहुत ही अच्छा फनल, और विच स्लैब करने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फनल क्रिएट करना। अगर आपका फनल जितना अच्छा होगा आपके अटैक उतना ही अच्छे होंगे, और सब जो भी गोलम में रेंज स्पेल कोई भी स्पेल यूज़ की जाती है इसमें गाइस, इनमें मिडिल में जो भी ट्रूप्स होते हैं उसको दी जाती है, बाकी साइड में केवल फनल के लिए हीलर्स यूज़ होती है विच के ऊपर। बाकी गाइस देखो, विच स्लैब अटैक से बहुत ही ईजी तरीके से कोई भी टाउन ऑनलाइन उड़ा सकते हैं। थोड़ा हम फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे गाइस, बहुत ही अच्छा अटैक किया बंदे ने, लगभग टाउन हॉल 9 मैक्स था वॉल के समेत, बहुत ही अच्छा शानदार गाइस। गाइस अब हम हमारे सेकेंड अटैक की तरफ चलते हैं, जो मैंने टाउन हॉल 9 पे किया, और इसका डिफेंस भी टाउन हॉल 9 का है, और पूरा टोटल डिफेंस विफेंस सब मैक्स है, बट वॉल को छोड़ के, वॉल भी अच्छी ही है इसकी। तो गाइस मैंने इसके ऊपर किया है लावा लून और गो बो अटैक। गाइस ये कम्बाइन अटैक और टाउन हॉल 9 पे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो गाइस इस अटैक को करने के लिए क्या आर्मी चाहिए, 3 आर्चर, 3 वॉल ब्रेकर, 15 बलून, 4 विजार्ड, 2 गोलियम, 2 लावा, बाकी सीसी में मैक्स बॉलर, और स्पेल में गाइस 1 जंप, 1 रेंज, 1 हीलिंग, 3 हेस्ट, और सीसी में आपके जो भी मैक्स ले जा सको पॉइजन वो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया गाइस, कोनों में आर्चर लगा दिए ताकि आगे टाइम वेस्ट ना हो, और 2 गोलम ड्रॉप किए। अब गाइस गोलम डिफेंस का वर्क अच्छा करते हैं, तो आराम से 4 विजार्ड से फनल बनाया, और उसके बाद ना किंग और क्वीन ड्रॉप किया, फिर वॉल ब्रेकर से वॉल ब्रेक किया और जंप एकदम मिडिल में डाला ताकि सब ट्रिप ट्रूप्स वगैरह अंदर चले जाए। सीसी में से ट्रूप्स फायर बाहर आया और पॉइजन डाल के रेंज यूज़ कर लिया, और गाइस उसमें पोस्ट टाइम हीलिंग स्पेल भी यूज़ कर लिया ताकि सीसी के जो ट्रूप्स है वो मारे ना हमारे ट्रूप्स को। और गाइस अभी ये इतना अच्छा चल रहा है, ऊपर से मैंने अब पहले बलून उसके बाद में लावा ड्रॉप किया और हैस्ट यूज़ किया ताकि स्पीड में बलून वर्क करे और लावा मरने से पहले ही ख़त्म हो जाए सब बेस। तो गाइस ये सबसे बेस्ट और शानदार अटैक होता है, मैं तो ये सजेशन दूंगा टाउन हॉल 9 में ये अटैक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। बट गाइस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, 2 एयर डिफेंस एक साथ में होना चाहिए जिससे आर्मी उड़ा सके, और गाइस ये गाइस पूरा क्लियर हो गया बेस लगभग। अब क्लियरिंग का काम रह गया है, जो गाइस हम फास्ट फॉरवर्डिंग में कर लेंगे। गाइस अब हम हमारे थर्ड अटैक की तरफ चलते हैं, जो मैंने किया है टाउन हॉल 9 पे हूँ मैं, और टाउन हॉल 9 पे ही किया है। हाँ इसका टाउन हॉल 10 है बट डिफेंस टाउन हॉल 9 का ही है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने इसके ऊपर कॉम्बो अटैक किया है, 7 हीलर, 2 पेगा, 4 बेबी ड्रैगन, 1 विच, सीसी में मैक्स बॉलर, कुछ विजार्ड। तो गाइस सबसे पहले मैंने क्वीन वॉक स्टार्ट कराई, क्वीन वॉक 4 हीलर्स के साथ स्टार्ट कराई, और इधर बेबी ड्रैगन से मैंने फनल बनाना स्टार्ट कर दिया।
फास्ट फॉरवर्ड करते हैं फलना तक। अब गाइस मैंने दो पीका छोड़ा, पीका के पीछे तीन हीलर्स और उसके पीछे विच और किंग ड्रॉप किया। अब गाइस सीसी में से मैंने मैक्स बॉलर लाया था वो ड्रॉप किया और ये सब अपना अच्छा काम करते। सीसी में ट्रूप्स बाहर आ गए और मैंने उनको पॉइजन दे दिया। एक रेंज छोड़ा और हीलिंग स्पेल भी छोड़ना पड़ा गाइस क्योंकि मैं बॉलर ख़त्म हो जाते अगर हीलिंग स्पेल नहीं छोड़ता। इधर क्वीन को मैंने एक रेंज देने की ज़रूरत थी तो मैंने रेंज दे दी और गाइस यहाँ पर सीसी तो ईजीली ख़त्म हो गए। और एक ड्रैगन बेबी ड्रैगन मैंने साइड में छोड़ा था कि पूरा इधर क्लियर हो जाए। और गाइस विच मेरे ट्रूप्स को सेव कर रही है जिससे ईजीली बीट हो रहा है और इधर क्वीन वॉक अपना काम कर रही है। तो गाइस एक साइड से बेबी ड्रैगन और एक तरफ साइड से क्वीन चल रही है और बीच में मेरी ये आर्मी पूरा क्लियर कर रही है। गाइस लगभग फिनिश हो गया है पूरा पूरा पेस। अब गाइस हमारे पास ट्रूप्स भी बहुत सारे हैं और आर्मी भी बहुत अच्छी अच्छी भी है परंतु इसका बेस बहुत ही कम है। अब गाइस जो मिनियन लाया है और एक विजार्ड हमेशा क्लियरिंग के लिए बचा के रखना चाहिए। तो अब बाकी गाइस ट्रूप्स कम हो गए और इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लॉस होने का खतरा रहता है तो क्लियरिंग के लिए हमेशा लास्ट में कुछ ना कुछ बचा के रखो गाइस। तो ये गाइस था एक मेरा कॉम्बो अटैक। अगर अच्छा लगे तो आप भी ट्राई करना, फुल इजी हो जाएगा, बस थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखना। ओके गाइस मिलते हैं अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय। हमारे फोर्थ अटैक की तरफ चलते हैं। ये हमारे ही क्लेन के प्लेयर राठौर ने किया है और इन्होंने लावा लून अटैक यूज़ किया है। तो गाइस ये हमारे क्लेन के सबसे बेस्ट प्लेयर है जो लावा लून अटैक करते हैं। हमारे क्लेन और भी अच्छे प्लेयर हैं बट आज इनका अटैक मैं दिखाता हूँ आपको क्योंकि इन्होंने इसमें डिफरेंट ट्रिक यूज़ किया है। तो गाइस इन्होंने लावा लून आर्मी में 10 आर्चर, 28 बलून, कुछ मिनियन, 2 लावा सीसी में मैक्स लावा और 4 रेंज, 1 हेस्ट और पॉइजन। अब गाइस 10 आर्चर इसका काम हम देखेंगे। सबसे पहले सीसी को बाहर निकालने के लिए एक बलून ड्रॉप किया और गाइस इस प्रकार के बेस में क्या गाइस डिफेंस अंदर होता है तो अगर लावा छोड़ दोगे तो लावा ख़त्म, फिर आपका बलून भी ख़त्म। तो इस तरीके से बेस में लावा लून करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया, ये अटैक का बता रहा हूँ कि कैसे होता है ऐसे बेस पे अटैक। सीसी बाहर और एक आर्चर ड्रॉप किया आउटसाइड में और सीसी को मारने के लिए पॉइजन और पहले 10 आर्चर छोड़े गाइस, उसके बाद में क्वीन ताकि गाइस सीसी का ध्यान से आर्चर पर और क्वीन ईजिली कर सके। कुछ गाइस कुछ पावरफुल होता है ऐसे ट्रूप जो क्वीन की एबिलिटी यूज करे पहले ही ख़त्म हो जाती है क्वीन एक्चुअल में। अब क्वीन भी अच्छा हो गया और इन्होंने पहले बलून ड्रॉप किए ताकि अगर लावा पहले ड्रॉप करते थे तो गाइस वो लावा पहले को लावा को इजीली ख़त्म कर देते हैं। और गाइस लावा बहुत ही एंड में यूज़ किया ताकि लावा ख़त्म ना हो। अगर आप लावा बचा हुआ है तो आपके बलून बिल्कुल सेफ है गाइस। अभी भी गाइस सीसी का लावा अभी नहीं छोड़ा और अब छोड़ा है ताकि लावा को हानि कम हो और इजी क्लियर हो जाए। गाइस ये सबसे काफ़ी अच्छा अटैक है और टाउन लाइन में अभी तक अधिकतर ऐसे ही अटैक यूज़ हो रहे हैं। और गाइस क्लियरिंग के लिए 5 विजार्ड थे जो क्लियरिंग के काम कर रहे हैं। और गाइस आजकल ट्रॉफी पुशिंग के लिए भी लावा लून आर्मी ही यूज़ होती है बट गाइस कुछ लोग क्या होते हैं गाइस हो गया ये बेस तो अब फार्मिंग क्लियरिंग बाकी है और क्लियरिंग हम स्पीड में कर लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं। तो गाइस ये थे हमारे टाउन हॉल 9 के बेस्ट अटैक्स। थैंक यू गाइस।